अडवाणी इलेक्ट्रिसिटी को लगा 17 लाख वोल्टेज का झटका, नकली स्लिप दिखाकर क्रेन से उठा ले गए हाई वोल्टेज वायर। तीन आरोपी पुणे से गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सभी वायर भी जब्त की गई है। 50 सीसीटीवी और वीडियो से खुलासा हुआ है। मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने तीन ऐसे चोरों को पुणे पिंपरी चिंचवट से गिरफ्तार किया है जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गए थे। चोरों ने मिलकर अडानी कंपनी के नाम का नकली स्लिप बनाकर रोड पर रखे गए हाई वोल्टेज वायर को मागा थाने राजेंद्र नगर से लोड करके पहले भिवंडी ले गए, फिर पुणे के एक स्क्रैप में भेज दिया था। कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने बोरीवली से भिवंडी तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाला और उन्हें गिरफ्तार किया। दो बड़े ड्रम्स में केबल मंगाए गए थे, लेकिन दूसरे दिन वहां पर से केबल गायब हो गए। ड्रम चोरी की शिकायत कस्तूरबा पुलिस को मिली। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के PI शशिकांत जगदाड़े के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। सुनिए पुलिस ने क्या कहा है। कस्तूरबा पुलिस थाने अंतर्गत मागटने डेपो के बाजू में HT11 KB का दो ड्रम चोरी हो गया, ऐसा कंप्लेंट आया। मिस्टर संजीव कुमार शर्मा पुलिस स्टेशन आए, उन्होंने बोला ऐसे दो ड्रम सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आसपास भी ढूंढे हमने। तो हमारे डिटेक्शन ऑफिसर्स और बाकी DPI वगैरह वहाँ पहुँचे और पहला तो CCTV देखा। CCTV में कुछ मिल नहीं रहा था, केवल एक JCP मिला और JCP से एक सुराग लेके हमने फिर आगे फिर मालशेज घाट तक वो गए। मालशेज घाट से वो पुणे तक गए और फिर पुणे से वो बंडल हमने हासिल किए। मीनवाइल वो गोडाउन में जहाँ रखे थे उनको पूछा गया कि आपने बिना इंफॉर्मेशन बिना परमिशन ये बंडल यहाँ रखे कैसे। तो उन्होंने बोला कि मैं बिना इंफॉर्मेशन ये बंडल नहीं रखता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप दिखाया, बिल दिखाया, उसके बाद ही मैंने यहाँ रखे। वो बिल की हमने छानबीन की तो वो बिल ही डुप्लीकेट बनाया था। फिर हमने एक एक करके एक पुणे से और दो मुमरा से तीन आरोपी को हमने उस मामले में अरेस्ट किया। अदानी इलेक्ट्रिसिटी का हेवी केबल से वो दो ड्रम, उसकी लगभग प्राइस अप्रोक्सीमेटली 17,60,000 बड़ी कीमत है और दोनों के दोनों बंडल हमने पुणे से हासिल किए। 100% प्रॉपर्टी रिकवर किए। हमें भी थोड़ा ताजुब हुआ कि ये डायरेक्ट कहाँ से क्रेन लगा के कैसा माल उठा सकते हैं। तो बहुत छानबीन करने के पास उनके पास दूसरा तो कोई सुराग मिला नहीं। अभी हम अदानी के जो कर्मचारी हैं उनकी भी छानबीन कर रही है और उनकी छानबीन करने से, क्योंकि कोई आके कोई स्पेसिफिक माल उठाता है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ कहानी होनी चाहिए, इसकी भी छानबीन चालू है।